लगभग 10 साल बाद जा रहे हैं, मुझे बहुत अजीब सा होता है और मेरे साथ मेरे भी बारिश होने लग गई है तो सब। और यहाँ पे मुझे मिले हैं मेरे मामा जाग देवता का इतना भयंकर रूप देखा। उत्तराखंड में लोगों की देवी देवताओं के प्रति। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज खराब ही है, बादल आ रखे हैं, पर 2-3 दिन से अभी यहाँ बारिश नहीं हुई है। तो अभी मैं आ रखी थी माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो पूजा मैंने कर दी है और अब मैं जा रही हूँ घर। और जितने में मैंने पूजा पाठ किया उतने में मेरा भाई भी आ गया है और इसकी स्माइल आज इसके फेस पे अलग ही खुशी है। बता सकता है क्यों है तो आज इतना खुश? और आते ही लड़ना, घर में ये नब्बू से लड़ता है, जब इसका वहाँ मन भर जाता है फिर ये यहाँ आता है मुझसे लड़ने के लिए। और सौर्य बेचारा नाश्ता करके आ गया है और हमारा नाश्ता नहीं बना है अभी। और सुबह सुबह मेरी मम्मी पापड़ पे टरका रही है मुझे आज। अभी टाइम 10 बज गए हैं और मेरी माँ अब सब्जी काट रही है नाश्ता बनाने के लिए। और कई दिनों के बाद हमारे यहाँ फिर से रौनक वापस आ गई है और रौनक के रूप में हमारे यहाँ आज बिट्टू आई है और बिट्टू लग गई है अपनी गाड़ी से खेलने में। आजकल 12th के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्होंने आजकल ट्यूशन लगाया है रवि चाचा के पास। तो ये नब्बू अभी आगे गया और अभी अनीता भी जा रही है ट्यूशन। और अभी इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और घर के मेरे काम हो गए हैं तो अब मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ। और शौर्य भी जा रहा है क्योंकि कल रात हमने पनीर के पकोड़े बनाए थे जो कि शौर्य के हिस्से के रह रखे हैं, तो इसका हिस्सा हर जगह रहता है तो ये अभी अपना हिस्सा खाने ही जा रहा है वहाँ। और आज मेरी दादी की बहू आ रखी है तो मेरी दादी ने आज अपना सिंहासन पकड़ा हुआ है और चाचा है ऊपर, तो मैं ऊपर जाऊँगी। अंदर जितने भी बिस्तर हैं सब मेरी चाची आज धूप पे सुखाने डालेगी। आज मेरे चाची चाचा दोनों लगे हुए हैं सफाई। चाचा ने अभी बेड वगैरह सब निकाल दिए हैं बाहर क्योंकि यहाँ आजकल ये घर पे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा सीलन आ रखी है। कमरे के अंदर अभी चाचा ने नहर और घी जला दिया है ताकि इस कमरे में खुशबू ही खुशबू फैल जाए, सीलन की जो बदबू आ रही है वो बाहर चली जाए। अभी मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि बिट्टू को हमारे घर जाना है। और अभी मेरे भैया मेरे घर आए हैं। और भैया इतनी भयंकर लट्ठी लेके क्यों आए आप? हाँ ये बात तो आपने सही बोली भैया। अभी खाना खा के मैं हो गई हूँ तैयार, बाकी मम्मी तैयार हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले चाची लोगों के यहाँ। और अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं और बिट्टू ने खाना खा लिया और पूरा मुंह दही दही से भर रखा है और इसने अपनी मस्त मूछें बना रखी है। तो अभी हम सब हो गए हैं तैयार और आज हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सीधी चाचा दोनों तीनों चले गए हैं और चाची नहीं जा रही है, इनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आज बच्चे मेरे भर। तो आज अंश की भी पिटाई होगी और बिट्टू की भी और इनके साथ मीनू की पिटाई फ्री में होगी। ठीक है मीनू, मम्मी और दादी को आने में टाइम है तो तब तक मैं बच्चों को ऊपर तक पहुंचा देती हूँ। अंश और मीनू भाग भाग के जा रहे हैं और मेरे साथ बिट्टू। बिट्टू हाई कर दे। जितनी तेज बिट्टू है उतनी तेज मैं बचपन में थी। बिट्टू और मेरी बहन की बेटी मेरे पे ही गई है तेज के मामले में। और चाचा जी मुझे बोलते रहते हैं कि अपना बचपन देख उसमें, ऐसी थी। तो अभी हम सब पहुंच गए हैं रोड पे और चाचा लोग जा रखे हैं मार्केट सामान के लिए और अंश लोगों की गाड़ी में हम जाएंगे आज सिरी। और जो मेरे दूसरे नंबर की बड़ी मम्मी है उनका ससुराल भी सिरी गाँव में ही है तो आज मेरी बड़ी मम्मी लोग भी सब आ रखे हैं। कैसा लगता है आपको सिरी गाँव? अच्छा। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड है सिरी जाने के लिए। धौंतरी गांव अच्छा, मुझे भी धौंतरी गांव बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और बिट्टू, हमें अपना गांव अच्छा लगता है ना बिट्टू? हाँ यहाँ मंदिर भी है क्योंकि, इसलिए बिट्टू को ये गांव अच्छा लगता है। और काफी इंतजार करने के बाद अभी मेरी दादी और मम्मी भी आ गई है और घुचुड़ मुचुड़ करके अभी इनको हमने बिठा दिया है। ड्राइवर हमारे साथ आज चाचा है और बिट्टू हमेशा की तरह फ्रंट सीट में क्योंकि गाड़ी हमारी है ना बिट्टू। और हम आज जा रहे हैं सिरी गांव में, जाग देवता के थौले हो रहे हैं जो कि त्रिवर्षीय थौले होते हैं और मैं बहुत छोटे में गई थी और कई सालों के बाद आज जा रही हूँ। और चाचा भी लगभग 10 साल बाद जा रहे हैं और दादी तो पिछले साल भी गई थी और मेरी मम्मी भी कई सालों के बाद आज जा रही है। सामने हो रहे हैं जाग देवता के थौले और वहाँ इतनी भयंकर भीड़ है कि हम अभी रुके हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। जितने भी लोग हैं सब थौले में जा रखे होंगे।
अभी हम पहुंच गए हैं सिरी गांव में और आज यहां पे इतनी भयंकर गाड़ियां हैं कि गाड़ियों को देख के सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितनी भीड़ होगी। और नीचे है जाग देवता का मंदिर और जाग देवता के जो थौले हैं वो पंचायती भवन में हो रहे हैं। और मेरी दादी का मायका वैसे सिरी गांव से ही है और बच्चों का काम हर जगह आतंक मचाना होता है, तो ये थौले में जा नहीं रखे हैं, बाकी यहां पे अपना आतंक मचा रहे हैं। मेरे चाचा खुद ही आए, शौर्य को नहीं लेके आए। वैसे शौर्य को मैंने पूछ लिया था पर वो आया नहीं, और मेरे चाचा बिना बताए आए हैं। चाचा को चाची की डांट खिलवाऊंगी। अभी हम सब जा रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे जाग देवता के थौले हो रहे हैं, कि जैसे ही मैं सिरी गांव में आई वैसे मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिल गए हैं। इतनी भयंकर हो रखी है कि आधे रास्ते में अभी पहुंचे और यहीं से भीड़ दिखने लग गई है। हमारे उत्तराखंड के पौराणिक वाद्य यंत्र भी आए हैं, अभी देवी देवताओं की डोली झूम रही है। यहाँ से ठीक नीचे दिखता है हमारे इस जाग देवता का मंदिर। तो अभी मुझे मिल गया है मेरे बड़े वाले मामा का छोटा बेटा सक्षम, तो ये लोग भी आ रखे हैं यहाँ। और हमारी बिट्टू को अभी प्यास लग गई है तो बिट्टू के लिए हम जूस खरीदने आए हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा वहाँ? और मैं अभी साइड आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पे इतने सारे देवी देवता एक साथ आ रहे हैं और मुझे बहुत अजीब सा होता है। और मेरे साथ मेरे मामा का बेटा आया है और ये अमन की कार्बन कॉपी है। ये थौले 3 साल में एक बार आते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ से बाहर रहते हैं वो सभी लोग आज आ रखे हैं जाग देवता के थौले देखने के लिए। और अभी बारिश होने लग गई है तो सभी लोग अब जा रहे हैं अपने अपने घर। यहाँ पे मुझे मिले हैं मेरे मामा जी और ये है मेरे मामा जी का बेटा और ये मेरा सब्सक्राइबर है। मामा तो मुझे हर जगह मिलते रहते हैं ना मामा। बारिश के साथ अभी थौलों का समापन भी हो रहा है। देवी देवताओं के प्रति इतनी आस्था है कि बारिश बहुत भयंकर हो रही है, सभी
में ही अभी हम सब जा रहे हैं घर। बारिश इतनी हो रही है कि बच्चे घर जा रहे हैं और साथ में त्रिपाल था गाड़ी के ऊपर जो सभी बच्चों ने अपने ऊपर ओढ़ दिया है। और अभी फिर से हम हो गए हैं यहाँ पे और चाचा लोग चले गए हैं जाग देव तक के थौले देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर। और अभी ड्राइवर थोड़ा चेंज हो गए हैं, अभी बड़े चाचा आ गए हैं हमारे साथ। आओ बिट्टू बदलेंगे हैं। हाँ, अभी हमने ड्राइवर चेंज कर लिया ना क्योंकि वो मेरे पापा अच्छे से चलाते हैं। और अभी हम सब आ गए हैं घर और इतने खतरनाक तौले हुए कि छोटे छोटे बच्चों पे भी देवी देवता आ रहे थे। कैसा लगा तुझे? बहुत भयंकर। और अंश के बराबर एक लड़का था, उस पे देवता आ रहा था और वो सबके थप्पड़ मार रहा था और अंश भाग गया। कई सालों के बाद आज हम सभी ने जाग देवता का इतना भयंकर रूप देखा। कैसे लगा? अच्छा। अब बिट्टू को भी अच्छा लगा? हमारे यहाँ अभी तक बारिश नहीं हुई और सीरी गाँव में बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और थोड़ी देर में आज यहाँ भी हो जाएगी क्योंकि सामने से बहुत भयंकर बारिश आ गई है। तो अभी इतनी भयंकर बारिश यहाँ पे होने लग गई है कि बारिश सीधे अंदर बरामदे तक आ रही है।